हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वाइट सॉस से हम आज पास्ता बनाएंगे। उसको सॉस कैसे बनाना है, फिर पास्ता कैसे बनाना है, पूरी प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने लिया है मी पास्ता और उसके बाद मैंने लिया है नमक, चीज़ और मैदा। मैदा सिर्फ एक चम्मच चाहिए हमें। यहाँ पर ओरिगैनो और ब्लैक पेपर पाउडर है, ये दोनों हमने लिए हैं। ये है बटर, बटर जितना है उतना ही हमें मैदा चाहिए। ये है कॉर्न और बीन्स। लहसुन को हमने बारीक चॉप किया है और इसमें बस हमें लगेगा शिमला मिर्च। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से लेना है आपको। हमें लगेगा एक तेज़पत्ता, एक प्याज और दो लौंग। इससे क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और लगेगा दूध और मलाई, इतनी ही बस चीज़ें हमें लगेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो प्याज है उसके अंदर हमें जो लौंग है उसे डाल देना है। बस इसे फिक्स करना है प्याज के अंदर और बस इसी तरह से हमें फिक्स करना है। और तेज़पत्ता और जो हमारी प्याज और लौंग है उसे बस हम दूध में ऐड कर देंगे। दूध हम बॉईल करेंगे, हमें सिर्फ एक ही बॉईल चाहिए इसे। और इसमें हम तेज़पत्ता और प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। बस एक बॉईल के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसका ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए हमें, थोड़े से ही फ्लेवर के लिए। बस इसका जो पास्ता का जो वाइट सॉस का जो फ्लेवर होता है वो इससे बेस्ट आता है। एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम पानी गर्म कर देंगे। पानी को उबाल आ जाए तब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और बस थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। और इसे हमें उतना ही कुक करना है जितना कि ये सॉफ़्ट हो जाए। इसे 90% कुक करना है, ऐसे नहीं कि ये थोड़ा हार्ड भी रहे या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो। हमारा पास्ता जो है वो कुक हो गया है। अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे और इसके ऊपर से हम बस थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम नीचे ऊपर अच्छे से हिला लेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो निकल जाए और ये ठंडा हो जाए। इसे पानी से नहीं धोना है वरना इसकी पूरी प्रोसेस जो ख़राब हो जाएगी। पास्ता जो निकाला हमने उसी बर्तन में अब हम बटर ऐड कर देंगे और उसी के साथ हम मैदा भी ऐड कर देंगे। बटर और मैदे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और इसे बस जलाना नहीं है, हमें बस भूनना है। स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे भूनना है। मैदा और बटर को एक साथ भूनते वक्त जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि इसी को भूनने से, अच्छे से भूनने से ही हमारा वाइट पास्ता जो है परफेक्ट बनेगा। वाइट पास्ता सॉस बनाते वक्त इस बात का ख्याल ज़्यादा रखना है कि जो बटर है और मैदा है इसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। बस ये अब हमारा जो है बैटर भून गया है, इसमें हम दूध ऐड कर देंगे और इसे भी हम पकाएंगे। अब इसे थिकनेस आने तक हमें पकाना है या आप इस स्टेज पर भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने लास्ट में ऐड किया था, कोई बात नहीं है, आप पहले ऐड करो या लास्ट में ऐड करो, एक ही बात है। हमारा सॉस रेडी हो गया, इसे साइड पे रखते हैं। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे, उसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे और बस कुछ सेकेंड्स के लिए लहसुन को हमें बस भूनना है। और उसके बाद हम सभी सब्ज़ियाँ जो हैं हमारे एक एक से इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और इसे भी हमें 30 सेकेंड्स के लिए बस भूनना है। और बाकी सभी सब्जियां हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अब हम भून लेंगे। सब्जियों को हमें थोड़ा सा ही शैलो फ्राई करना है, इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे और सब्जियों को थोड़ा सा हम ढक कर पकाएंगे ताकि इसका जो एक स्मूथनेस इसमें आए। थोड़ी सी ज़्यादा सब्जियों को थोड़ा सा कुक करना है, एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए ढककर पकाना है। बस अब हो गए हमारे ये सब्जियां कुक हो गए। इसमें हम अब हमारा जो बॉईल किया हुआ पास्ता है वो ऐड कर देंगे और वो ऐड करने के बाद भी इसे थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि जो पास्ता में नमक वाला और सब्जियों का भी थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए और रूखे रूखा हमारा पास्ता नहीं लगे, बस इसीलिए। इसमें अब हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर और ओरिगैनो। हमारे यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया है। आपके पास अगर अवेलेबल हो वाइट पेपर पाउडर तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हो। सब्जियों के साथ हमने पास्ता को अच्छे से कुक कर लिया है। अब बस इसे हम जो सॉस है उसमें ऐड कर देंगे। सॉस सब्जियों के ऊपर ऐड कर दो या सॉस में जो सब्जियाँ और पास्ता है वो ऐड कर दो, एक ही बात है। मैं सॉस पैन में सब कुछ ऐड कर रही हूँ तो बस इसमें ऐड करना है और हमें इसमें भी कुक करना है। अब हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे और चीज़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो भी आप वो भी, उसके जो टुकड़े हैं वो कर आप वो भी ऐड कर सकते हो, वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से है, आप
कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपके पास प्रोसेस्ड या जो भी चीज़ अवेलेबल होगा आप वो चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो। बस इसे हमें 2 मिनट के लिए बस कुक करना है और कुक होने के बाद बस हमारा पास्ता रेडी हो जाएगा। आप इस रेसिपी के साथ एक बार पास्ता ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हम इसमें फाइनल टच देंगे, इसमें हम हमारा क्रीम जो है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि क्रीम से जो है हमारा वाइट जो पास्ता है वो वाइट हो जाता है और ये इसका जो वाइटनेस है वो क्रीम से ही आता है। बच्चों को ये पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें कोई स्पाइसेस नहीं होते। आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, वैसे तो ऐड किया नहीं जाता लेकिन आप ऐड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।